हमारी भारतीय न्याय संहिता में कुल 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात किया गया है, जिसमें से एक पनिशमेंट ये भी है विच इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास और कठोर कारावास। तो साधारण कारावास और कठोर कारावास को डिफ्रेंशिएट किया गया है फूल कुमारी वर्सेस तिहाड़ सेंट्रल जेल के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक पर्सन जिसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया है, यानी जिसे साधारण कारावास दिया गया है, जेल में रहते हुए जेल अथॉरिटीज उससे कोई भी काम नहीं करवा सकती हैं जब तक वो खुद काम करने की इच्छा जाहिर ना करे। वहीं एक व्यक्ति जिसे कठोर कारावास से दंडित किया गया है, ही इज बाउंड टू वर्क इन जेल बाय लॉ, वो बाउंड है कि वो जेल में रहते हुए कठोर श्रम करे, हार्ड लेबर करे। तो एक व्यक्ति जो कि जेल में रहते हुए काम कर रहा है, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर वेजेस, उसे भी वेजेस दिए जाएंगे। ये भी कहा गया था फूल कुमारी वर्सेस तिहाड़ सेंट्रल जेल के केस। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।